हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग MPSI के कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। MPSI के 2017 के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। कुछ बोर्ड पर क्वेश्चन लिखे हैं, इससे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करो, इन्हें करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको करवाता हूँ। चलिए पहले इस क्वेश्चन को देखो। आप ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, 20 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, और 20 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के लागत विक्रय मूल्य के बराबर है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, परसेंटेज प्रॉफिट मुझे निकालना है, यानी कि लाभ का मुझे प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ से इसे करने के लिए आप क्या करो, मुझे देखे रखा है सबसे पहले 20। ये 20 किसका देखे रखा है? लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब हो गया यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, जो किसके बराबर है, जो बराबर है यहाँ पर किसके, ये देखे रखा है 15 के गुणा में किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी कि 15 के गुणा में मैं कर दूंगा यहाँ पर सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब अपन को कुछ नहीं करना, यहाँ पर क्या कर दो, कॉस्ट प्राइस बटे क्या हो जाएगा, यहाँ से इसे नीचे ले आऊँगा, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो 15 बटे मेरे पास 20 बचेगा, 15 बटे 20 को मैं काटूंगा तो हो जाएगा ये 3 बटे हो जाएगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस की संख्या मेरे पास में हो गई 3, सेलिंग प्राइस की संख्या मेरे पास में हो गई है यहाँ पर 4। और इतनी बात आप सभी लोग जानते हो कि जो भी मुझे प्रॉफिट होता है, जो भी प्रॉफिट होता है वो यानी कि विक्रय मूल्य में से हम लागत मूल्य को घटाते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस में से आप किसको घटाते हो, कॉस्ट प्राइस को घटा देते हो। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मेरे पास में है 4 और कॉस्ट प्राइस मेरे पास में है 3, तो 4 में से 3 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट। बस अब कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है उसे ऊपर लिखते हैं, और नीचे हमेशा लागत मूल्य लिखी जाती है, यानी कि कॉस्ट प्राइस लिखोगे और गुणा कर दोगे आप किसका, 100 का, आप कुछ भी नहीं बचा। परसेंटेज प्रॉफिट मुझे पता करना है, तो प्रॉफिट मुझे दे के रखा है कितना, 1 आ गया यहाँ पर। कॉस्ट प्राइस मेरे को कितनी दे के रखी है, 3 दे के रखी है, और गुणा कर दूंगा मैं इसमें 100 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 33, 1/3% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद इस क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ है, 243 की पावर 0.07, इस तरह का फॉर्मेट दे के रखा है। अब पॉइंट में भी हम लोगों को पावर दे के रखी है, तो बड़ा आसान है इसको भी सॉल्व करना। ध्यान से देखो, 243 और 243 जब आधार सेम होते हैं तो उनकी घात को जोड़ दिया करो, यानी कि 1 की पावर 2 का गुणा में यदि 1 की पावर 3 में करूँगा तो क्या होगा, 1 की पावर हो जाएगा 5। घात को जोड़ दिया करो हमेशा, ठीक है, घात को क्या किया करो, जोड़ दिया करो। कब, जब आधार दोनों के सेम हो, ऐसा यहाँ करना है, इसका और ये दोनों आधार सेम है तो ऊपर की पावर को जोड़ दो, ठीक है भाई, जोड़ देते हैं। 243 की पावर कितना दिया है, 0.13, और 0.13 में मैं 0.07 को जोड़ूंगा तो 0. कितना बचेगा, 20 मेरे पास बचेगा। इतनी बात तो सबको क्लियर है। अब नीचे देखे रखा है 7 की घात 0.25 से 49 और ये 343, तो क्या मैं इसे भी 7 7 7 बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, ये 7 का वर्ग हो गया या 7 का क्यूब हो गया ये, ठीक है। तो क्या करो, 7 की पावर 0.25 देके रखा है गुणा 7 की पावर 2, अब पावर यहाँ 2 हो जाएगी तो पावर 2 का इस 0.075 में गुणा होगा, तो यहाँ पर 0.075 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या करना है, फिर से मुझे गुणा करना है, इसे मैं 7 की घात लिख सकता हूँ 3। अब जैसे ही 7 की घात 3 लिखूंगा तो इस 3 का गुणा किस में होगा, 0. किस में होगा, 2 में होगा। इतनी बात तो सबको आ ही गई होगी समझ में, जो भी पावर होती है उस पावर का गुणा कर दिया करो, ये जो भी पावर मुझे दे के रखी है इसमें, ठीक है। चलो अब मुझे इसके आगे मुझे क्या करना है, 243 मुझे दे के रखा है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो 0.20, यदि मैं क्या करूं यहाँ पर इस दशमलव को हटाकर 1 लिखूं और आगे जितनी भी संख्याएं नीचे लिख दूंगा 0, इतना तो सभी लोग जानते हो, तो दशमलव जब भी लिखे उसे अगर हटाना चाहते हो तो हटाकर 1 लिख दो, और जितनी आगे डिजिट्स दे के रखी हो, संख्या दे के रखी हो, उतने 0 लगा दिया करो। काटने पर 20 से कम 1/5 कितना बचेगा, 5 बचेगा, यानी कि अभी मैं अगर ध्यान से देखूं तो 243 की घात 1/5 क्या हो गया, 5 हो चुका है।
और डिनोमिनेटर में, यानी कि नीचे यदि मैं ध्यान से देखूं तो नीचे सात 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 आधार तीनों के सेम हो चुके हैं। अब देखो ज़रा, यहाँ तो मुझे दे के रखा है 0.25 पावर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और प्लस सात की का 2 × 0.75 तो 75 दो नहीं होते हैं 150, यानी कि मैं इसमें लिख सकता हूँ 0.15 लिख दो आप इसे। तीसरी डिजिट को लेने की ज़रूरत नहीं है, दशमलव के बाद हमेशा दो ही को लिया करो, दो डिजिट को ही ले लिया करो, काम हो जाएगा इतने में, ठीक है। और फिर मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, तीन दुनी हो जाएगा छः, 0 कितना हो जाएगा 60, यानी कि दो डिजिट लेनी है तो छः के बाद कुछ नहीं है तो जीरो लिख दो, तो 0.25, 0.15, 0.60। अगर ये पूरी की पूरी पावर किसकी है, ये सात की पावर हो रही है, तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा 0.25, 1560 तो 60, 70, 80, 85 और एक की कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा पूरा, तो सात की घात यहाँ पर कितना हो गया, एक हो गया है, 0.00, यानी कि 1 हो गया है पूरा, पॉइंट के बाद में 00 मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे इसी तरह से लिखे रहने दो। अब क्या कर दो, यहाँ पर मुझे पता है 243, हम ध्यान से अगर देखें 243 को, तो ये तो भाई 3 की पावर 5 होता है, 243 को मैं 3 की घात कितनी लिख सकता हूँ, 5, देखो 3 की पावर 2 होता है कितना 9, 3 की पावर 3 होता है 27, 3 की पावर 4 होता है 81 और 3 की पावर 5 होता है 243 होता है, ठीक है, तो 243 5, और पहले से ही गुणा में कितना है 1/5 दे के रखा है, तो बटे में कितना लिख दूंगा 7/7 चल रहा है, 7/1 का मतलब 7 ही होता है, 5 से मैं इसको काट दूंगा 5, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 3/7, बस यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चंस को, ये बात ध्यान रखना। चलो अब मुझे देके रखा है ये वाला क्वेश्चन, 3.4567 की घात 2 माइनस 3.4533 की पावर कितना देके रखा है 2। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसको मैं मान सकता हूं भाई ए, और इसको मैं मान सकता हूं बी, तो आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला बन रहा है, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये होता है भाई ए माइनस बी, और ये होता है ए प्लस का क्या होता है बी होता है, ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये ए का स्क्वायर और माइनस ये बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया, तो ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। और नीचे यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ नहीं है, ये जो संख्या लिखी हुई है ये ए माइनस बी लिखी हुई है, ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूँ 3.4567 ये है ए की वैल्यू, ये वाली वैल्यू ए की है, और बी की कितनी दी है 3.4533, अगर आप माइनस करोगे तो ये 3, ये 3, ये 0, ये 0, ये 3 हो गया, तो अगर मैं ध्यान ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा 3.0034, यानी कि अगर मैं ध्यान से ये 3 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है, 7 में 3 गया 4, 6 में 3 3 0 0 0। अगर आप इस वैल्यू को ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू कुछ भी नहीं है, ये a माइनस b है, ये जो संख्या दे के रखी है ये कुछ भी नहीं है, ये a माइनस क्या है b है, तो नीचे मैं क्या कर दूंगा, इसकी जगह पर क्या रख दो आप, a माइनस का रख दो b रख दो, a माइनस b से a माइनस b कैंसिल हो गया, आपको क्या करना a और b दोनों संख्याओं का आप क्या कर दो जोड़ दो, तो जैसे ही आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। पहले मैं इसको ना मिटा देता हूँ थोड़ा सा ताकि सही हो जाए, ठीक है, तो अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे इससे ये कट गया तो मुझे a प्लस बी को जोड़ना है, तो 3.4567 को जोड़ दूंगा मैं किसमें, 3.4533, कुछ भी नहीं है, 7 × 3 = 10, 6 × 4 = 10, 5 × 10 = 11, 1 + 4 = 8 और 1 = 9 हो जाएगा, और 3 × 3 कितना होगा 6, यानी कि आपका आंसर आ गया 6.91, बस यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, तो कोई टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल, आपको अच्छे से करना है इन्हें सॉल्व। चलिए इसके बाद मैंने भाई क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी कि 2017 के क्वेश्चंस हैं आपके ये एसआई के, ठीक है। चलो इसे हम सॉल्व करते हैं, किसी वृत्तीय पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 924 मीटर की दूरी तय करने में पहिए द्वारा की गई चक्कर की संख्या ज्ञात कीजिए, अ रेडियस ऑफ अ सर्कुलर व्हील इज 21 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल इट मेक इन ट्रेवलिंग 924 मीटर। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो ये देखो कि किसी वृत्तीय पहिए की बात कर रहा है वो, और उसकी त्रिज्या कितनी दे के रखी है 21 सेंटीमीटर, यानी कि कोई वृत्तीय पहिया है, ठीक है ना,
सर्कुलर, कोई सर्कुलर अपने पास में कोई पहिया है, ठीक है, अच्छा, उसके बारे में वो बात कर रहा है। उसकी त्रिज्या कितनी दे के रखी है उसने? उसकी त्रिज्या दे के रखी है हमें 21 सेंटीमीटर, यानी कि कोई पहिया है जिसकी त्रिज्या हमें 21 सेंटीमीटर दे के रखी है, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से, 924 मीटर की दूरी तय करने में पहिए द्वारा की गई चक्कर की संख्या कितनी होगी? कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे इसे कि इतनी दूरी को तय कर लेगा ये, ठीक है। सबसे पहले तो एक छोटी सी बात हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि ये जो आपके पास में एक पहिया दे के रखा है, इस पहिए को अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये पहिया मान लो एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है कितने, अगर इस पहिए के बारे में मैं बात करूँगा तो ये जो पहिया है ये एक चक्कर लगाता है, ठीक है, एक चक्कर लगाता है, मान लेता हूँ मैं एक चक्कर में डी की दूरी को तय करता है, ये डी दूरी तय करता है, यानी कि डी के बराबर मैं मान सकता हूँ 2πr। क्यों माना है मैंने यहाँ पर 2πr? क्योंकि सर्कल का ये जो सर्कल है, यानी कि इसकी जो परिधि होती है, इसकी परिधि होती है 2πr, या 2πr कुछ नहीं बल्कि दूरी होती है, डिस्टेंस होती है। आया समझ में? आप करोगे क्या, ध्यान से सुन लो, इस सर्कल को एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी होगी? 2πr करनी होगी। क्यों करनी होगी 2πr? क्योंकि 2πr इसकी पूरे की परिधि होती है। इस पॉइंट से जब मैं इसे घुमाना शुरू करूंगा तो वापस से जब ये इसी पॉइंट पर आएगा तो कितनी दूरी तय कर लेगा? 2πr तय कर लेगा। तो एक चक्कर लगाने में 2πr दूरी तय करता है, तो बताओ 924 मीटर इतनी दूरी तय करने में वो कितने चक्कर लगाएगा? इसे ध्यान से देखो, सबसे पहले तो 924 जो मीटर है इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, तो एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 924 में कितने हो जाएंगे? 9400 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। अब इतनी बात आ गई समझ में तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। इसको जरा ध्यान से देखो, यानी कि 2πr, 2πr का मतलब हो गया, हो जाएगा 2πr तो देके रखा है, इसमें मैं गुणा यदि कर दूं y का, यानी कि y चक्कर का मैं गुणा कर दूं तो कितना बचेगा? 9400 इतनी दूरी को तय कर देगा, ठीक है। एक चक्कर कंप्लीट करने में उसको 2πr दूरी तय करनी पड़ती है, तो 9400 इतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो इस एक चक्कर का गुणा में कर दूंगा बाकी के सब की सब रेवोल्यूशंस में, तो बस आपका आंसर आ जाएगा। मुझे पता है भाई पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो y मैं कर दूंगा यहाँ पर कितना, 9400 बटे कितना आ जाएगा, 2 × 22/7, 22/7 को लिखा मैंने, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है, पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। तो एक काम करता हूँ, 7 को मैं ऊपर ले आता हूँ, 7 को मैं ऊपर ले आऊँगा, तो आप इसको ऐसे लिख दो, यहाँ पे मैंने कर दिया 2 × 22 × ऊपर ले जाऊँगा मैं 7, और नीचे कितना आ जाएगा r, r त्रिज्या कितनी दी है 21 दे के रखी है, ये हो गई 21, 7 से काट दो, 7 दिया 21, ठीक है, 22 से काटूंगा तो 22 से 4 टाइम कटेगा, 88, 4 यानी 22 × 00, यानी कि कुल मिलाकर बचा है 4200 बटे कितना बचा है, 3 × 6, 6 से काटूंगा तो मैं कितना हो जाएगा, 700 रेवोल्यूशन हो जाएंगे, यानी कि 700 चक्कर लगाएगा तब इतनी दूरी को वो तय कर लेगा, ठीक है। फिर से समझ लो, एक चक्कर लगाता है तो 2πr दूरी को तय करता है, तो 700 चक्कर लगाएगा, 700 चक्कर यहाँ पे इसकी जगह पे y की जगह पे कितना रख दूंगा 700, तो 700 चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय कर लेगा, 9400, बहुत आसान है, ठीक है। देखो, ए और बी किसी काम को 10 दिनों में, बी और सी 12 दिन में करते हैं, और सी और ए 15 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं उस काम को? 10 दिन में करते हैं, अच्छा। बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं? बी प्लस सी करते हैं भाई 12 दिन में। सी प्लस ए कितने दिन में करते हैं? ये लोग करते हैं किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। मान लो कोई दीवार विवाल वगैरह बनानी होगी, ठीक है ना, बड़ी सी कोई वॉल वगैरह बनानी है, दीवार बनानी है, तो ये दोनों के दोनों मिलकर 10 दिन में उस दीवार को बनाते हैं, बी और सी मिलकर 12 दिन में बनाते हैं, सी और ए मिलकर 15 दिन में उस दीवार को बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को बताना क्या है, सी काम को कितने दिन में खत्म करेगा, यानी कि जो पूरी की पूरी दीवार है अकेला सी उसे कितने दिन में बना पाएगा। इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे एक दिन की कार्य क्षमता पता करनी होगी इनकी। जब मैं एक दिन की कार्य क्षमता को पता करूंगा तभी मैं उससे आगे चीजों को निकाल पाऊंगा। तो देखो जरा, यानी कि अगर मैं इन तीनों का मैं एलसीएम लेने की कोशिश करूं,
इन तीनों का यदि मैं एलसीएम लेने की कोशिश करूं तो वो कितना आ जाएगा एलसीएम इनका? देखो 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 60। अब मैं करूंगा क्या, ए प्लस बी 10 दिन में पूरे काम को खत्म करेगा, बी प्लस सी 12 दिन में करेगा, सी प्लस ए 15 दिन में खत्म करेगा। तो मुझे इनके एक दिन का काम पता करना है, एक दिन में कितना काम करते वो मुझे पता चल जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 60 को देखूँ तो ये 60 तो टोटल वर्क हो गया भाई, टोटल क्या हो जाएगा वर्क, कुल कार्य कितना है 60 है, कुल कार्य 60 है। तो देखो ए प्लस बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो 10 का डिवाइड कर देंगे 60 में, तो कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। बी प्लस सी क्या करूंगा मैं, इस 12 का भाग लगा दूंगा 60 में, तो कितना हो जाएगा 12 5 60। सी प्लस ए 15 से कितना टाइम, 4 टाइम कटेगा। ये जो तीनों की तीनों मैंने निकाले हैं 6, ए प्लस बी एक दिन में 6 कार्य करते हैं, बी प्लस सी एक दिन में 5 कार्य करते हैं, सी प्लस ए एक दिन में 4 कार्य करते हैं, ये इनकी इफिशियंसी हो गई। इफिशियंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो ध्यान से देखना इस चीज़ को, इफिशियंसी एक तो क्या जगह भी नहीं है, इफिशियंसी का गुणा यदि मैं किस में कर देता हूँ, टाइम में, तो बराबर में मुझे मिलता है टोटल वर्क, बराबर में मुझे मिलता है टोटल वर्क। टोटल वर्क का मतलब होता है भाई कुल कार्य, टोटल वर्क का मतलब होता है कुल कार्य कितना है वो पता चल जाएगा, समय और इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है भाई कार्य क्षमता, इसे हम लोग बोलते हैं कार्य क्षमता, ठीक है, ठीक है। इस कार्य क्षमता का गुणा यदि मैं किस में कर दूंगा, टाइम में कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा, मुझे टोटल वर्क मुझे पता चल जाता है यहाँ से, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर हमें करना क्या है, मैं क्या करूँगा, इन सबको मैं जोड़ दूंगा, तो मुझे पता है 2 के इनटू में ए प्लस बी प्लस सी ये जुड़ जाएगा, और इनकी कार्य क्षमता को जोड़ दो, 6 5 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, ये 2 निकल कर नीचे आएगा, तो 2 निकल कर जब नीचे आएगा तो 2 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 7.5। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी यदि एक साथ काम करते हैं, यदि ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ काम करते हैं, तो एक दिन में ये कितना काम कर पाएंगे, 7.5 काम कर पाएंगे पूरा, ठीक है। अब देखो मुझे करना क्या है, मुझे काम सिर्फ और सिर्फ सी के लिए मुझे काम करना है सिर्फ और सिर्फ अकेला, तो सी के लिए क्या करूंगा, ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है, ए और बी की कार्य क्षमता है 6, तो इसकी जगह रख दूंगा 6 प्लस का सी और बराबर कितना देके रखा है 7.5। तो यहां से मुझे सी की जो संख्या है, सी की वैल्यू पता चल जाएगी 1.5 कितनी है, वो है भाई 1.5 है मेरे पास में 5, यानी कि सी अकेला एक दिन में 1.5 काम को करेगा, ठीक है। अच्छा तो बताओ 60 काम पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा, इसका मतलब सी की इफिशियंसी कितनी है, 1.5 है, सी की इफिशियंसी कितनी है, कार्य क्षमता कितनी है, 1.5, ठीक है। तो बस इसी फॉर्मूले में रख दूंगा सारी की सारी संख्या, कुल कार्य कितना है, कुल कार्य मेरे पास में कितना है भाई 60 है, तो कुल कार्य की जगह पे आप रख दो 60, ठीक है, कुल कार्य की जगह कितना रख दूंगा मैं 60 रख दूंगा। दूसरी बात, कितना समय लगेगा, समय मुझे नहीं पता, समय मैंने टी मान लिया यहां पर, और सी की कार्य क्षमता कितनी है 1.5 है, तो मैंने उसको रख दिया, तो आप देख लो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से हो जाएगी 60 और नीचे जाएगा 1.5, पॉइंट कटेगा तो ऊपर जाएगा यहां पर 0, पॉइंट हटा दो यहां से अब आप, ठीक है, तो यहां से कितना जाएगा 40 हो जाएगा, काटोगे तो 40 दिन लगेंगे, 40 डेज, यानी कि 40 डेज, अरे इसका मतलब ये हुआ सी अकेला 40 दिन में पूरा कार्य कंप्लीट कर पाएगा। आपको आ गया होगा ये सारा के सारा समझ में, ठीक है, ये किया है मैंने यहाँ पर। इसके बाद यहाँ देखो, दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः 15 तथा 300 दे के रखा है, यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या मुझे ज्ञात करना है। कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए कि एक संख्या मुझे इतनी दे दी है, दूसरे को ज्ञात करना है मुझे, तो इसके लिए सीधे सीधे एक फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट नंबर का गुणा कर देते हैं सेकंड नंबर में, बराबर LCM इंटू HCF, ठीक है, LCM इंटू क्या होता है HCM। तो पहली संख्या मुझे दे के रखी कितनी 60, इसका गुणा मैंने कर दिया कि इसमें सेकंड वैल्यू मुझे जो कि पता करनी है, और LCM कितना दे के रखा है, मुझे दे के रखा है LCM कितना 300 दे के रखा है, तो यहाँ रख दोगे 300, HCF कितना दे के रखा है, HCF दे के रखा है मुझे 15, बस अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ से आपकी सेकंड वैल्यू आ जाएगी, आप काटोगे 60 से इसको कितना 6 5 300 हो जाएगा, 60 5 300, 15 5 हो जाएगा 75, तो आपकी दूसरी संख्या आ चुकी है यहाँ पर 75, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं,
वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी क्लियर। ठीक है, थैंक यू।